नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए हेल्दी बर्गर। जो कि उसके लिए सामग्री चाहिए, सबसे पहले मैंने ये अंकुरित की हुई मूंग, साबित अंकुरित की हुई मूंग, एक बाउल मटर, एक हरी मिर्च, 4-5 कलियां लहसुन की, अदरक का छोटा सा पीस, हाफ इसमें प्याज डाला है मैंने, और ग्रेट किया हुआ गाजर, पत्ता गोभी, सॉस टमाटर सॉस और सलाद जो कि मैं उसमें लगाऊंगी, मेयोनीज, मसाले में नमक मिर्च और धनिया। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं एक मिक्सी में ये डालती हूँ और इनको पीस लेती हूँ। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी और इसमें मैं एक आलू भी डालूंगी, इसे मैं पीस लेती। ये मेरा पेस्ट तैयार है। अब मैं इसमें गाजर कसी हुई, आलू मैश किया हुआ आलू है, और मसाले में मैं डालती हूँ इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्ची, 1/2 धनिया सूखा धनिया ये, और मैं अब इसको मिक्स पूरा मिला के मिक्स हाथ से मिला के अब इसकी मैं टिक्की बनाऊंगी। इसमें थोड़ा करारापन लाने के लिए मैं इसमें ये 2 चम्मच सूजी की डाल देती हूँ, इससे आपकी टिक्की करारी हो जाएगी। मैंने गैस जला ली है और मैंने ये नॉनस्टिक तवा लिया है, मैं इस पर 1 चम्मच भर के ऑयल डालती हूँ, थोड़ा सा गर्म होने पर मैं ये टिक्की इसके अंदर सेकूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं, इसलिए हम इसे कढ़ाई में ऑयल डाल के ना सेक के इसमें सेकेंगे, जिससे हमें ऑयल कम लगेगा। थोड़ा सा ऑयल और डालते हैं, ये धीमी धीमी आंच पर कम से कम 15 मिनट तक ये सिकेंगी, एकदम करारी हो जाएंगी, तब हम इसे निकालेंगे। ये हमारी टिक्की तैयार। अब हम बर्गर बनाते हैं। बर्गर ये मैंने ऐसे काट के अलग रखा हुआ है, तो हम सबसे पहले बर्गर में ये टमाटो सॉस लगाते हैं, ढेर सारा सॉस। ये मेयोनीज मैंने सॉस मिला के रखी है रेड कलर की। इसके बाद हम थोड़ा सा ये ग्रीन चटनी वाले, और इसके बाद थोड़ी व्हाइट चटनी वाले, 3 तरह की मेयोनीज बनाई है मैंने, और इसमें हम ये सैलेड रख देते हैं। हम थोड़ा सा सॉस फिर से डालते हैं, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, आराम से बन जाएगी। तो हम इसमें टिक्की रखते हैं, ऊपर से थोड़ी सी मेयोनीज डालते हैं, बन गया आपका बर्गर। करो, और ये आपका बर्गर तैयार है। थैंक यू।